अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम ज़ुबैर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी सिम्टम्स ऑफ लेबर के। लेबर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले तो आप जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका होता है, उसमें आपको पता चलता है कि आपका बेबी जो है वो पेल्विक बोन में फिक्स हो चुका है। जब बेबी आपका फिक्स हो जाता है तो तब आपको जब डिलीवरी का टाइम होता है तो सर्विक्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। ढीला लगता है आपको, बहुत ज़्यादा खुल रहा होता है आपका सर्विक्स, तो वो आपको फील होता है। डॉक्टर भी आपको चेकअप के बाद बताती हैं। एब्डोमिनल पेन जो है वो आपका बढ़ जाता है, ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं आपको, और कमर में बहुत दर्द होता है। कमर से जो दर्द जो है वो लेकर आपके नीचे लेग्स की तरफ आ रहा होता है। बहुत ही जो है आप थका हुआ महसूस करती हैं। आपका जो है एमनियोटिक फ्लूइड है, वाटर, वो ब्रेक हो जाता है एकदम, एक थैली सी फट जाती है। आपको ब्लडी डिस्चार्ज होता है, या जो म्यूकस प्लग होता है वो आपका बाहर निकल आता है वेजाइना से। तो ये भी एक साइन होती है कि आपका डिलीवरी का टाइम आ चुका है और केस होने वाला है आपका। तो वेजिनल डिस्चार्ज जो आपका प्रेगनेंसी में रहता है वो इसीलिए भी होता है कि जो आपका सर्विक्स है वो सॉफ्ट होता है। इससे आपको वोमिट हो सकती है ग्रीन कलर की, या और भी, यानी कि वोमिट एकदम हो जाती है, या फिर आपको डायरिया हो सकता है। आपको लगता है यूरिन आ रहा है, लेकिन यूरिन नीचे बस प्रेशर पड़ रहा होता है आपके जॉइंट्स में, क्योंकि वो बेबी जो है वो अपनी जगह बना रहा होता है बाहर निकलने के लिए। तो इसमें आपको डॉक्टर्स, जब आप हॉस्पिटल जाती हैं तो वो यही कहती है कि थोड़ी वॉक कर लें अगर अभी भी बेबी ऊपर होता है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन जो है वो ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें, और कोई टॉपिक और हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।